व्हाट इज कॉस्ट? सबसे पहले कॉस्ट क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी आर बिगिनिंग द न्यू सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो सी द सिंपल मीनिंग ऑफ कॉस्ट इज गिवन हियर. इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड, देन डेफिनेटली यू विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग at what price you have manufactured these goods, what are the expenses involved in manufacturing one unit of a product. So when we talk about cost, we think about the monetary aspect, ki iske piche mera kitna kharcha hua hai. So cost is the measurement in monetary terms of the amount of resources used for the purpose of production of goods or for giving services. सिंपल आप इसका मीनिंग ये ले सकते हो कि मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंस वी हैव पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वन यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कॉस्ट. देयर आफ्टर सेकंड वर्ड इज गिवन, कॉस्टिंग. व्हाट इज कॉस्टिंग? सी, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक. इट इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. In this subject, we will learn different types of techniques with the help of which cost of a product is ascertained. The simple meaning of costing is given here. Costing is the technique and process of ascertaining costs. It is a technique and process of determining the cost of goods produced. It can be cost of manufacturing a product or it can be the cost of providing a service. Because service provide karne wale ko bhi cost janna zaruri hota hai. Jaise ki transport facility provide karne wale, electricity facility dene wale. Product jo log banate hai, jaise mobile phone ek product ho gaya, television product ho gaya, chemical item product ho gaya. Koi bhi item, hamare ghar mein jo bhi items hai, wo kahin na kahin factory mein banta hai. तो उसकी कॉस्ट डिसाइड करना जरूरी होता है ताकि उसकी प्राइस डिसाइड कर पाए. तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक. नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? तो सब्जेक्ट का नाम ही है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज द फॉर्मल सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट. हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ा था. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस अकाउंटिंग में क्या होता था? वी आर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जिसमें सारे ट्रांजेक्शंस आ जाते थे. पर्टिकुलरली फैक्ट्री से रिलेटेड वो नहीं थे, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं थे. सो वेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन दैट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. वेर इज वॉट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी प्रोडक्शन के पीछे जो खर्चे हुए हैं, जो एक्सपेंसेस हुए हैं, या तो जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं, उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग. सो सी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉस्ट, अलोकेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट. So it is also here also we record the transaction, but we record here the transactions regarding the cost of goods produced. That is the difference. जबकि financial accounting में हम record करते थे transaction of entire business, जिसमें एक cost account के transaction भी आ जाते हैं. Okay. यहां फिर से costing का definition दिया हुआ है कि what is costing. Costing is the technique and process of ascertaining cost, जो हमने ऊपर देख ही लिया. It is the technique and process of ascertaining cost. Now the one more thing is given, what is cost accountancy? देखो बहुत सारे words आपके सामने आ रहे हैं. सबसे पहले हमने cost लिया, जिसका मतलब है measuring in terms of money. फिर costing आया, जिसका मतलब हुआ it is a technique and process of ascertaining the cost. फिर आया cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग इज द मेथड एंड टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब है कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है?
वो कॉस्ट अकाउंटिंग था, एक कॉस्ट अकाउंटेंसी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉड एरिया एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड एसरटेनमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। तो पूरे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी की एक सब ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हम पढ़ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है एक बहुत बड़ा ब्रांच है, उसका एक सब ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, ये दोनों वर्ड डिफरेंट है। आप जो पढ़े थे सेमिस्टर वन में वो था बिजनेस अकाउंटिंग, जबकि उसका जो मेन डिसिप्लिन है जिसमें सारा सब्जेक्ट नॉलेज रखा हुआ है, दैट इज द अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द ब्रॉड ब्रांच, सब पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी इज अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटेंसी बोल रहा हूं तो उसमें बहुत कुछ आ जाएगा, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग से आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, ऑडिटिंग आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाएगा, बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। इन दैट वन पोर्शन यू कवर्ड लास्ट ईयर, दैट वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ वन मेजर ब्रांच एंड इट्स सब पार्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, अब इस सब्जेक्ट में हम क्या कवर करेंगे, व्हाट आइटम्स विल बी कवर्ड अंडर दिस सब्जेक्ट, कौन सी चीजें कवर होगी, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता क्या है। जैसे हमने लास्ट ईयर आपको बोला था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको मनी में मेजर किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, फिर उसका पोस्टिंग होता है लेजर में, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं। तो वो उसका स्कोप था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग किस काम में आता है, क्या होता है इसमें। तो सी इन कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जिसे बोलेंगे कॉस्ट असरटेनमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एसरटेनमेंट, दैट मीन्स द फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर्ड। सपोज आप एक ट्रांसपोर्टर हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास ट्रक्स है, लग्जरीज है, और ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर अवेलेबल विथ यू। इवन यू आर गिविंग द फैसिलिटीज ऑफ कार ऑल्सो ऑन द रेंटल बेसिस। अब मैं आपके पास आता हूं और मुझे, मैं बोलता हूं कि मुझे एक दिन के लिए कार चाहिए, आई वॉन्ट योर कार, आई वॉन्ट टू हायर योर कार फॉर वन डे, एंड फ्रॉम बड़ौदा आई हैव टू गो से फॉर एग्जाम्पल सूरत। सो फ्रॉम बड़ौदा टू सूरत, सो एज ए सर्विस प्रोवाइडर, यू आर द सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज यू आर रनिंग द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, यू आर नॉट सेलिंग एनी गुड्स, यू आर गिविंग द सर्विस। सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट फाइंड आउट द कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट यू कैन प्रोवाइड दिस सर्विस फ्रॉम बड़ौदा टू सूरत। आपका कितना खर्चा होगा, आपकी कार का मेंटेनेंस उसमें आप ले लोगे, जो भी टोल टैक्स आने वाले हैं रास्ते में वो भी आप शायद कवर कर लो, अगर कस्टमर से हमें रिकवर नहीं करना है तो, क्योंकि अभी तो फास्टैग आ गया है तो हमारे अकाउंट से कटेगा तो वो भी हम उसमें ले लेंगे। फ्यूल का जो चार्जेस है वो भी कवर कर लेंगे, और कुल मिला के हम एक प्राइस डिसाइड करेंगे, इतना खर्चा हमें होगा, और बाद में हम अपनी एक प्राइस डिसाइड करके उनको बताएंगे अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद कि हम बड़ौदा से सूरत के लिए आपको कार दे सकते हैं, उसका हम आपको वन डे का 3,000 या 4,000 लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने किया क्या, कॉस्ट फाइंड किया कि बड़ौदा से सूरत तक का जो कार का फैसिलिटी आप दे रहे हो तो उसमें फ्यूल का चार्जेस क्या होगा, टोल टैक्स कितना आएगा, बराबर है।
आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस का एक्सपेंस जो है, जो हिडन होता है, वो भी आपने ले लिया। सारी चीजें कवर करके आप एक कॉस्ट डिसाइड करोगे, आपका प्रॉफिट भी आप उसमें ले लोगे। तो कॉस्ट असर्टेनमेंट इज द वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देयर आफ्टर पोस्ट देयर आफ्टर ए कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसमें जो कॉस्ट असर्टेनमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें दी है, हमें उसमें जाना नहीं है। फर्स्ट थिंग ऑल यू हैव टू रिमेंबर, फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, दैट इज द कॉस्ट असर्टेनमेंट। उसको कैसे करना है तो उसकी मेथड्स यहाँ बताइए, पोस्ट कॉस्टिंग एंड कंटिन्यूस कॉस्टिंग, जो हमारे काम का नहीं है, आगे आएगा तब मैं आपको कवर कर लूंगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग्स बिकॉज सिलेबस इज वेरी वाइड एंड वी हैव टू कवर इट इन 20 लेक्चर्स। सो जो इमटेरियल थिंग्स है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक तो आता है कॉस्ट असर्टेनमेंट, दूसरा आता है कॉस्ट कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। कोई भी बिजनेसमैन होगा तो वो यही चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़े नहीं, वो कम रहे, जितने हो सके उतने खर्चे कम हो, क्योंकि जितना कॉस्ट आपका कंट्रोल में रहेगा उतना आपका प्रॉफिट में बेनिफिट होगा। जितना आप कॉस्ट कम कर पाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। या तो आप कस्टमर से कम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो एंड यू कैन अर्न द रेपुटेशन इन द मार्केट दैट यू आर गिविंग द फैसिलिटी एट लो कॉस्ट। सो कस्टमर का प्रेफरेंस लेने के लिए या तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। सो इन द एरा ऑफ कॉम्पिटिशन द गोल ऑफ एवरी बिजनेस इज टू कीप कॉस्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट विथ एफिशियंट ऑपरेटिंग कंडीशन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताएगा कि हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल। इसलिए क्लासिफिकेशन आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट ऐसी है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वो आइडिया यहां से आपको मिलेगा फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। सो टू सस्टेन इट इज एसेंशियल टू एग्जामिन ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट इन द लाइट ऑफ द बेनिफिट ऑब्टेंड सो दैट द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी स्पेंड और इट मे बी रिकवर्ड। तो सेकंड एरिया है इसका कंट्रोलिंग कॉस्ट, फर्स्ट एरिया था एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, थर्ड एरिया आएगा इसमें प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मीन्स इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको सेल करके जो आपको इनकम होगी उसको बोलेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज इनकम। एंड कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। इन दोनों को मैच क्यों करना है? इन दोनों को मैच इसलिए करना है ताकि हमें पता चले व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी आर गोइंग टू अर्न। सो इन कॉस्ट अकाउंटिंग द मैनेजर प्रिपेयर्स मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स टू रिफ्लेक्ट द कॉस्ट एंड इनकम डेटा एंड आइडेंटिफाइड विद द सेल्स ऑफ दैट पीरियड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजर ये भी ट्राई करेगा कि कॉस्ट कम उन्होंने तो किया है, सामने सेल्स से कितना इनकम हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस उनको पता चलेगा और दे कैन आइडेंटिफाई द प्रॉफिट। सो कंपेयरिंग द कॉस्ट विद द रेवेन्यू सो दैट प्रॉफिट कैन बी नोन। तो उसके लिए वो एक शीट बनाएंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट हुआ है और वही प्रोडक्ट हमने कितने में सेल किया है, दोनों का डिफरेंस दैट इज द प्रॉफिट। नेक्स्ट इज एड्स टू मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग सम इम्पोर्टेंट डिसीजंस। कैसे डिसीजन? जैसे कि कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है कि बंद कर देना है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा लेनी है कि कम लेनी है, ऐसे बहुत सारे मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं जो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई आइटम हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत आ रही है, कॉस्ट कम करने का चांसेस ही नहीं है और मार्केट में कस्टमर प्राइस देने को तैयार नहीं है उतना। सो व्हाट वी विल प्रिफर? डेफिनेटली वी विल प्रिफर
टू डिसकंटिन्यू दैट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है या तो कंटिन्यू रखना है, वो डिसीजन एक मैनेजमेंट का डिसीजन हुआ जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट आउटकम ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बताया कि डिसीजन आपको तब लेना होता है जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो। जब एक ऑल्टरनेटिव हो तो डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती है, वॉट एवर इज अवेलेबल दैट इज योर फाइनल डिसीजन। बट वेन यू हैव सो मेनी ऑप्शन यू हैव टू डिसाइड। सो अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑल्सो नीड टू बी डन। डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मेक द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दैट मीन्स फॉर ईच ऑल्टरनेटिव वी विल फाइंड द कॉस्ट एंड फॉर ईच ऑल्टरनेटिव वी विल फाइंड द बेनिफिट एंड वी विल कंपेयर वेयर द बेनिफिट वुड बी मोर देन द कॉस्ट दैट डिसीजन वी विल सिलेक्ट। All this can be done achieved through the good cost accounting system. तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए, these are the points which are covered in the scope of cost accounting. मतलब मैंने आपको ये बताया कि cost accounting में होगा क्या, cost accounting में हम cost find करेंगे, cost को control करने का try करेंगे, cost को revenue से compare करेंगे ताकि profit पता चले, और मैनेजमेंट डिसीजन लेने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। दिस आर द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, इससे पहले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इससे पहले हम समझ लेते थे, हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े थे लास्ट ईयर तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने दो तीन ऑब्जेक्टिव बताए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक तो वो था वहां पे कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। फिर हमने वहां पे पढ़ा था टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानना। देन टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, मतलब असेट एंड लायबिलिटी पोजिशन जानना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वहां होते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो देखो सब्जेक्ट के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्कोप में बताया था कि इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि मैनेजमेंट के जो डिसीजन है उस डिसीजन में हेल्प देना। कॉस्ट हम क्यों डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने के लिए, हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस फिक्स कर पाए इसलिए हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं। तो यही तो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में। आप इसको थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट से मत सोचो, आप उसको प्रैक्टिकली सोचो। देखो प्रैक्टिकली सोच तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता चलेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे। इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी विल ट्राई टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, वही चीज है, इसका ऑब्जेक्टिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें इसको इसलिए पढ़ना है ताकि हमें पता चले कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं, कौन सी कॉस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट हमें क्यों जानना है, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर पाए। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव देख लो, डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, क्यों, कंपटीशन में टिकना है तो आपकी प्राइस कम होनी चाहिए। तो देखो थर्ड पॉइंट है टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट। फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसमें हेल्प करना, टू गाइड मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग, एंड मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स आपको इस स्कोप में भी मिल जाएंगे। ओके, तो थोड़ा मैं रिवीजन करवा लेता हूं आपसे, पहले तो थोड़ा पूछ लेता हूं, बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो, इफ यू आर रेडी प्लीज टेल मी। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कौन सी दो चीजों के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, विच आर द टू एरियाज ऑन विच वी विल कॉन्सेंट्रेट इन कॉस्ट अकाउंटिंग।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड और सर्विस। ओके अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट की कॉस्ट और सर्विस की कॉस्ट बराबर है, इन दोनों पे हम कंसंट्रेट करेंगे बराबर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन एरिया क्या आता है, मेन चीज क्या आती है, व्हाट इज द मेन, व्हाई वी हैव टू लर्न कॉस्ट अकाउंटिंग, विच टू एरियाज आर कवर। इससे तो बहुत सारी चीज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कोई कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मतलब रिकॉर्ड करके रखना और फिर उस हिसाब से सेलिंग प्राइस को मतलब निर्धारित करना। ओके देखो, इसमें ऐसा है, मेन चीज ये है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए, कॉस्ट एसरटेन कर पाए। तो पहला है उसका पॉइंट, कॉस्ट असरटेनमेंट, नोइंग द कॉस्ट। और दूसरा, जब आप कॉस्ट फाइंड कर लोगे तो आपको पता चलेगा अगर आपकी कॉस्ट कम है कि ज्यादा है, तो फिर उस कॉस्ट को कंट्रोल करना है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देना है, और अगर बढ़ा हुआ है तो कम करने का ट्राई करना है बाय रिड्यूसिंग सम एक्सपेंसेस। तो सेकंड पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। तो ये दो मेन एरियाज है, उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स भी आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट फाइंड करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए कॉस्ट जानते हैं हम। थर्ड पॉइंट वही है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना चाहिए और मैनेजमेंट के डिसीजन में ये काम में आएगा। तो यही सारी चीजें चार्ट में भी दिया हुआ है। अब थोड़े थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस दिए इसमें कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट्स होगा, वही सारी चीजें जो अभी डिस्कस की कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो और आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंसान की फैक्ट्री है या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वो इन्वॉल्व, तो कोई एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। वन पर्सन इन वन फैक्ट्री ही में भी मैन्युफैक्चरिंग मेनी आइटम्स, तो एक ही फैक्ट्री में एक ही मशीन के ऊपर वो बहुत सारी प्रोडक्ट भी बनाता होगा, बिकॉज नाउ डेज मशीनरीज इस तरह का आ गया है कि आप एक ही मशीन से बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लूँ, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो इफ समवन इज मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चॉकलेट्स, देन डेफिनेटली ही वुड बी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स विद द डिफरेंट फ्लेवर्स। सो इन दैट ही हैज टू नो विच पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ चॉकलेट शुड कंटिन्यू एंड विच शुड बी स्टॉप। तो उसके लिए उसको कॉस्ट का डेटा जरूरी है। तो इट बिकम्स पॉसिबल टू डिस्क्लोज प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, इट बिकम्स पॉसिबल टू डिस्क्लोज प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, तो वो आपको पता चलेगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड एडवांटेजेस है, इट एनेबल्स अ कंसर्न टू मेजर एफिशिएंसी एंड देन टू मेंटेन एंड टू इम्प्रूव इट। आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपको कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है, कॉस्ट को कम करने की जरूरत है, कौन से खर्चे आपको कम करने की जरूरत है, वो आपको पता चलेगा इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड यू विल बी अवेयर अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आगे जाके, वो टेक्निक्स आप अप्लाई करके कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अपॉन विच एस्टिमेट्स, कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड टेंडर सर्विस। आप सबको पता होगा टेंडर होता है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लेना है किसी का, सपोज गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स आ गया, तो गवर्नमेंट लोगों से टेंडर मंगवाएगी, कोटेशंस मांगेगी, तो उसमें आपको आपकी कॉस्ट बतानी है कि कितनी कॉस्ट में आप वो काम करके दोगे उनको। से फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने टेंडर पब्लिश किया कि गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, और वी कैन से द से फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द रोड्स इन द एंटायर सिटी ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई क्वालिटी रोड्स
इन द एंटायर बड़ौदा सिटी, और उसके लिए उसने टेंडर मंगाए लोगों से, जो भी लोग इस काम में इन्वॉल्व है, बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस टेंडर में अपनी प्राइस दे पाएंगे कॉरपोरेशन को, कि हम इतनी प्राइस में सारे रास्ते बना के देंगे। तो इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द कॉस्ट बेस्ड अपॉन विच यू कैन गिव योर एस्टिमेट्स फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनी बिजनेस प्रपोजल। इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज, फ्यूचर में आपको कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि कॉस्ट कम आए, उसका आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, डेफिनेटली कॉस्ट कम करेंगे हम तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इट एनेबल्स पीरियोडिकल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हर महीने या तो 2-3 महीने के बाद वो कॉस्ट शीट बनाया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ए डिक्रीज और इंक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस कैन बी डिटेक्टेड। कभी कभी हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, या तो पर्टिकुलर मंथ में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो कम आ रहा है, या तो लॉस हो रहा है, तो उसका रीजन हमें पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर कॉस्ट बढ़ गई या तो कोई कॉस्ट कम हो गई, इसलिए प्रॉफिट और लॉस के ऊपर इफेक्ट हुआ। सो पर्टिकुलर रीजन हम जान सकते हैं। देखो, कॉस्ट बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेबर का कॉस्ट होता है तो वेजिस, मटेरियल का कॉस्ट होता है मटेरियल कॉस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो कौन सी कॉस्ट बढ़ी है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ है वो आप जान सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज यू आर अ बिल्डर, यू आर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, आपने कोई सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। जब आपने स्टार्ट किया तो बिगिनिंग में जो सीमेंट का प्राइस था, मान लो पर बैग 200 रुपीज था, पर बैग 200। आपका प्रोजेक्ट 3 साल तक चला और थर्ड ईयर तक आते आते आपने देखा कि थर्ड ईयर में पर बैग सीमेंट की जो प्राइस थी वो 500 हो गई। जब स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट तो 200 में मिल रहा था, पर जब एंड किया तब सीमेंट की प्राइस 500 रुपया हो गई। तो ये मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है। तो बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, बिगिनिंग में तो हमें प्रॉफिट अच्छा दिख रहा होगा, पर लेटर ऑन इन द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कॉस्ट। दूसरा, वेजेस का भी ऐसा हो सकता है। तो एग्जैक्ट कौन सी कॉस्ट की वजह से, कौन से एक्सपेंस की वजह से कॉस्ट पे इफेक्ट हुआ है, प्रॉफिट पे इफेक्ट हुआ है, दैट वी कैन एसर्टेन। रिलेटिव एफिशिएंसीज ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इज डिस्क्लोज। आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं लेबर कॉस्टिंग, वहां पे हमें बहुत सारी टेक्निक्स देखनी है जिससे हमें पता चलेगा कि विच वर्कर इज एफिशिएंट। वर्कर्स की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, वो वहां पे हमें देखनी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन नोइंग द विच वर्कर इज एफिशिएंट एंड विच वर्कर इज इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वर्कर्स की वजह से प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, कॉस्ट कम आएगा। इनएफिशिएंट वर्कर होगा तो कॉस्ट आपका ज्यादा आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन कम देगा। सो दैट थिंग वी विल असर्टेन इन द लेबर कॉस्टिंग विच विल कम इन द सेकंड यूनिट। ओके, आई एम शेयरिंग नाउ द सेकंड लिंक।